क्या आप भी आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करना चाहते हैं? तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि आधार कार्ड का एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं घर पे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे करता हूँ गुजारिश, मेहरबानी करके ये वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। यहां से आपको एक URL टाइप करना होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, www.uidaai.gov.in। टाइप करने के बाद आप सीधा आओगे इस पेज पर। यहां से आपको क्लिक करना होगा अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन पर। जैसा ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्लिक करना होगा अपडेट एड्रेस पर। यहां से अपना आपको अपना आधार नंबर टाइप करना होगा और कैप्चा कोड देना होगा। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा सेंड ओटीपी पे। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो नंबर आपके आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड होगा। ओटीपी फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहां से आपको हैव एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करना होगा और सबमिट पे क्लिक करना होगा। यहां से आप अपना एड्रेस फिलअप करोगे। सबमिट अपडेट एड्रेस पर क्लिक करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने होंगे और प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना होगा। यहां से आप कोई भी प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हो, जैसे बैंक स्टेटमेंट या पासबुक दे सकते हो, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। मैं यहां पे बैंक सबमिट करने के बाद आपको एक यूआरएन नंबर मिलेगा, जो यूआरएन नंबर आपको नोट करके रखना है। इस यूआरएन नंबर से आप अपना आधार अपडेट ट्रैक कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आप ट्रैक कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको फिर से आना होगा आधार की मेन वेबसाइट uidaai.gov.in पर। यहां से आपको क्लिक करना होगा चेक एड्रेस अपडेट स्टेटस पर। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और साथ ही साथ आपको यही यूआरएन नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा, फिर गेट स्टेटस पर क्लिक करना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मेहरबानी करके हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए।